मनीष राय सिंघानिया और संगीता चौहान का बन गया गठबंधन। मुंबई के गुरुद्वारे में दोनों की हुई वर्चुअल शादी। जरा देखिए तो कैसे दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं गुरुद्वारे में। भाई दोनों की शादी में बस परिवार से केवल 5 लोग थे। संगीता की फैमिली थी, मनीष की फैमिली थी और इसी के साथ गुरुद्वारे में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने भगवान का पाठ किया, उसके बाद गुरुजी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों बन गए विवाह के बंधन में। दोनों की मुलाकात हुई थी कलर्स की सीरियल स्वाभिमान के सेट पर। संगीता यूं तो इस शो की मेन लीड थी और मनीष एक छोटा सा रोल करने आए थे, लेकिन उस छोटे से रोल के बाद ही दोनों में दोस्ती ऐसी बनी कि अब ये दोस्ती मियां बीवी के रिश्ते में बदल गई है। Both of you. कैमरा लुक, थैंक यू सो मच। इतनी रिलीव्ड वाली हंसी और रिलीव्ड वाला थैंक यू निकला है। हाँ, बहुत देर के बाद मास्क थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए नीचे लाया है तो हम लोगों ने सोचा कि खुश हो लेते हैं, सांस ले लेते हैं स्कूली हवा में। वैसे मास्क की बात करें तो भाई ये क्वारंटाइन शादी है, 5 लोगों में शादी हुई है एंड मास्क एकदम डिजाइनर वाले मैचिंग आए हैं, बकायदा डिजाइन कराए गए हैं आई थिंक। बिल्कुल, ड्रेस के साथ में इसे डिजाइन किया गया तो प्लांट करना तो बनता है। एक मिनट, इसको प्लांट ना होने का सवाल ही नहीं उठता, शक्ल छुपा के बैठा है। पहले तो मुझे यकीन है संगीता ये सारा ड्यूब ब्रेक दिया है। तो मनीष फिलहाल तो अपनी आंखें भी छुपा रहे हैं, पता नहीं आंखें तो निकालो, निकालो आपके घर। नहीं यार आंखों एक तो आंखों की शर्म जो होती है वो छुपा रहे हैं ना, और दूसरा अंदर जो हालत हुई यार आई कांट टेल यू। मतलब बाकी सारे अस्तेरे वेरे हो गए उसमें भी सारे ग्रुप ऑफ हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ था जब जैसे सिंदूर हाथ में लिया। जिंदगी में सोचो कितने बार टेलीविजन में ये काम किया, बड़ा आसान है ले उठाओ डालो, लेकिन उठाया सच्ची में शादी हो रही है। और ये से मुझे डाल डाल डाल, इसलिए मास्क है ना इस काम आता है, ये सारे इमोशन छुपाने के। आपके जो पीछे दिखे कैन बी कॉल देम पटाख से मनीष। वैसे तो विथ मास्क की बिल्कुल पूरी नो सो वैसे नहीं है, दिस माय जीजा जी, दैट्स माय दीदी एंड दीदी वाला छोटी बहन एंड दैट्स अंकल बड़े भैया, नहीं छोटे भैया आपके सारे साहब। इतनी डरेंगे है बोलने की, उनका कोनी कुछ मार लेंगे, बड़ी वायलेंट लड़की है। शादी के बाद दोनों ने बाहर आकर सबसे बातचीत की और अपना एक्साइटमेंट शेयर किया। मेरा जो सॉन्ग था निकल निकल के वो रिलीज हो रहा था एंड जी के साथ सारी डील खत्म करके मैं 3 महीने का पहला ब्रेक लेने जा रहा था क्वारंटाइन में, पूरे 3 महीने के लॉकडाउन के बाद। तो लंबी अंगड़ाई ली ब्रेकफास्ट टेबल पर, पापा को बोला पापा आज मैं छुट्टी लेने वाला हूँ। तो पापा ने बोला तो बेटा शादी भी कर ले। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते पापा। तो पापा को लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक बढ़ता गया। शाम इसको फ़ोन किया कि मेरे पेरेंट्स, तेरे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। मुझे लगा मजाक चल रहा है, फिर जैसे इसको रियलाइज हुआ बात मानी नहीं, उल्टा डांट भी उठा एंड जब जैसे विश्वास हो डांट भी उठी, आर यू माइंड, ऐसे थोड़ा ना होता है। यार अभी हो रहा है यार चल ना, उसी तक गिव मी टाइम, गिव माई पेरेंट्स टाइम, हम लोग फिगर आउट करते हैं। 4 बजे की मीटिंग फिक्स हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, सारी बातें फिक्स हुई एंड द थिंग वाज सॉर्टेड। तो संगीता और मनीष को उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत बहुत बधाई। शादी लॉकडाउन में हुई तो काफी अलग थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन रहे। मुंबई से नुपुर मौची और श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो।